व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फ्लिपबिप। मैं हूँ आपका दोस्त चिन्मय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो आज बात करते हैं नोकिया के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, नोकिया मेरे मोस्ट फेवरेट ब्रांड में से एक है, मगर उसकी कुछ खामियां भी है और खामियों के बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे ख्याल से अगर ये खामियां दूर हो जाती है तो नोकिया अपना जो प्रोडक्शन या फिर कि ये सेल है वो बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो बात करते हैं नोकिया की खामियों के बारे में, जो कि बहुत सारी हैं। इसमें से पहले खामी ये है कि भाई, इनकी जो ब्रांडिंग है इनके फ़ोन्स की, वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। जैसे कि इन्होंने पहला फ़ोन लॉन्च किया था नोकिया 5, उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया नोकिया 6, और उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया नोकिया 3। मतलब 3, 4, 5, 6 थी, पहले 5, फिर 6, फिर 3, नो प्रॉब्लम। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 5.1, 5.1 प्लस, 6.1, 6.1 प्लस, 6.2, 7.2 सब, मतलब इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कई बार कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई सीरियसली मतलब कौन सा फ़ोन खरीद ले और कौन से फ़ोन में क्या फ़र्क है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि नोकिया 6 और 7 के सीरीज में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, फिर एक ही जैसे फीचर्स के दो दो फोन निकालने की क्या ज़रूरत है। और उसकी ब्रांडिंग भी आपने जो की है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक रीज़न है कि नोकिया के फ़ोन्स को लोग परचेस नहीं कर पा रहे, उनको समझ में नहीं आता कई बार कि भाई कौन सा फ़ोन अच्छा है, कौन सा फ़ोन बुरा है। तीसरी बात यह है कि ये फ़ोन जो होते हैं वो बहुत ओवर प्राइज्ड होते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं नोकिया 7.2 को, जिसकी प्राइस है मैंने जैसे आपको बताया कि 18,000 to 19,000, 6.1 प्लस की जो प्राइस है वो करीब अभी भी 15,000 के आसपास है। इसके जो प्रोसेसर है बहुत बहुत पुराने हो चुके हैं मेरे ख्याल से, 2 साल या 3 साल पुराने। और साथ ही में अगर आप बात करते हैं रियलमी या फिर Xiaomi की, तो यहाँ पे आपको 15,000 के प्राइस रेंज में आपको 7 सीरीज के लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहे हैं, साथ में क्वाड कैमरा सेटअप है, साथ में यहाँ पे आपको जो मेमोरी है वो 128GB या फिर 256GB। तो इतने सारे फीचर्स मिलने के बाद कोई नोकिया की तरफ क्यों जाएगा। तो नोकिया ब्रांड को सिर्फ वो लोग खरीदते हैं जिन्हें एक सिर्फ नोकिया फ़ोन चाहिए। तो ऑब्वियसली ये एक बुरी बात है कि वो बहुत सारे ओवर प्राइस्ड फ़ोन होते हैं। तो ओवर प्राइस्ड फ़ोन होने के रीजंस भी क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि नोकिया जो ब्रांड है वो ग्लोबल ब्रांड है, जो बहुत सारी कंट्रीज़ में नोकिया के फ़ोन्स बेचे जाते हैं। तो खास करके US और UK मार्केट में नोकिया के फ़ोन्स को ज़्यादा डिमांड रहती है, और वहाँ पे Xiaomi, Vivo या फिर Realme जैसे ब्रांड्स नहीं हैं अभी तक, तो या फिर उस रेंज तक नहीं है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे सिर्फ नोकिया ही परचेस किया जाता है कम प्राइस में, या फिर सैमसंग। तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर आप 28,000 या फिर 30,000 इस प्राइस रेंज में अगर अपना फ़ोन बेचते हैं, या फिर कहिए 20,000 यानी कि 20,000 के प्राइस रेंज में, तो उस फ़ोन को वहाँ पे परचेस करेंगे। मगर इंडिया की बात करते हो तो इंडिया में उसको कोई इतना परचेस नहीं करेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में यहाँ पे आपको बहुत बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं कई और ब्रांड्स से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक रीज़न है कि वो उस प्राइस रेंज में वहाँ पे बेचते हैं, तो उससे बहुत कम प्राइस रेंज में इंडिया में नहीं बेच सकते, मगर ये नोकिया के लिए बहुत बुरी बात है। तो अब बात करते हैं नोकिया फ़ोन्स के बारे में। तो नोकिया अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स भी बनाता है, जैसे कि उन्होंने लॉन्च किया नोकिया 8 सीरीज, जहाँ पे आपको देखने को मिला 8 सिरोक को, उसके बाद जहाँ पे आपको मिल रहा था स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर, जो उस समय का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर था। मगर उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया नोकिया 8.1, और जहाँ पे आपको देखने को मिला 7 सीरीज का प्रोसेसर, मतलब 710, उसके बाद 712। मतलब एक किसी भी एक फ्लैगशिप फ़ोन के प्रोसेसर को निकाल कर आप उसी के सक्सेसर में अगर एक 7 सीरीज़ का प्रोसेसर दे देते, तो ऑब्वियसली ये बहुत बुरी बात होती है किसी भी एक फ्लैगशिप लवर के लिए। क्योंकि नोकिया के फ़ोन जो है वो कोई भी प्रीमियम फ़ोन्स की वजह से उसको हाई प्राइस में भी खरीद सकता है, उसको खरीदना परचेस करना मतलब पसंद करेंगे। मगर यहाँ पे बात आती है, अगर आप अपने फ़ोन के फीचर्स को डाउनग्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली कोई इसको पसंद नहीं करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो IP सर्टिफिकेशन था नोकिया 8 सिरोक में, उसको भी आपने निकाल कर नोकिया 8.1 में निकाल दिया, और तब से उन्होंने एक भी वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं बनाया, एक्सपेक्ट सिर्फ नोकिया 9 जो चला भी नहीं। मतलब क्या फ़ोन निकाला तो उन्हें ही पता है, मतलब 5 कैमरा और सो 5 मिलकर सिर्फ एक ही फ़ोटो निकालते थे। तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो नोकिया को अभी भी आगे बढ़ने के लिए मतलब रोक रही है। तो मेरे ख्याल से इन सारी बातों पे नोकिया को ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक तो वो ओवर प्राइज्ड है, और दूसरी बात वो इंडिया में बहुत दूरी से मतलब लॉन्च कर देते हैं। मतलब अगर आप US में देखते हैं, अगर US में अगर वो फेब्रुवरी या फिर मार्च में लॉन्च हो जाते हैं फ़ोन, तो उसको वो इंडिया में आने के लिए करीब मई या जून लग जाता है। मतलब मई या जून में वो इंडिया को लॉन्च कर देते हैं इंडिया में, तब तक बाकी कंपनियां तो आगे निकल चुकी होती हैं। भाई इंडिया को इतना मतलब अंडरएस्टिमेट क्यों कर रहे हो भाई। यूके में जितने मतलब यूके के सारी कंट्रीज़ में मिलकर जितने मेरे ख्याल से मोबाइल या फिर स्मार्टफोन यूजर्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा सिर्फ इंडिया में हैं, भारत में। तो ऑब्वियसली इंडिया को अंडरएस्टिमेट करना बहुत बुरी बात है। तो ऑब्वियसली आपको इन मतलब नोकिया को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तभी नोकिया
फिर से अपना एक जो एक ब्रांड वैल्यू है वो ऊपर कर पाएगी। तो ये कुछ मेरे राय है या फिर कहिए मेरी सलाह है नोकिया के लिए। तो आपको क्या लगता है नोकिया ब्रांड्स के बारे में, नोकिया फ़ोन्स के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।